हेलो एवरीवन, इस चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यार मैं जो बनाने वाला हूँ वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। सो यार चलिए मैं इसको डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं पीवीसी पाइप है और इसका मैंने एक सीट बना लिया है और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट आप देख ही सकते हो क्लियरली। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं लगभग 1.5 सेंटीमीटर का जो है कुछ इस तरह से इसके दोनों साइड में यहाँ पर मार्किंग करने के बाद इसको जो है यहाँ पर एक इस पर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड यहीं पे थोड़ा सा मैं इसको हीट करके यहीं से फोल्ड कर दूंगा। ये आप इसको हीट करने के लिए कोई भी आयरन का उपयोग कर सकते हो या फिर जिस तरह का मैं लाइटर इस वीडियो में यूज़ करके दिखा रहा हूँ आप उस तरह का भी यूज़ कर सकते हो, या तो यार गैस पे भी इसको थोड़ा सा गर्म करके आप जो है इस तरह से फोल्ड कर दोगे, यार बड़े ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है पीवीसी पाइप। और फ्रेंड मैं एक और बात बता दूं कि यार ये पीवीसी पाइप की जो सीट है वो जो है 2 mm की मोटी सीट है, ठीक है फ्रेंड। अभी इसके एक साइड में हमको एक होल करना है, तो होल करने के लिए मैं स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी टूल का भी यूज कर सकते हो। तो इसके वजह से मैं यहाँ पर नॉर्मल सिंपल सा जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मैंने फटाफट से इसके अंदर एक होल कर लिया है। और होल करने के बाद फ्रेंड हमको चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरह से नट बोल्ट चाहिए एक, और उसके बाद हमको एक स्प्रिंग चाहिए कुछ इस तरह की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब इन दोनों चीज़ों को मैं आगे वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगी। देन फ्रेंड अभी पहले इसके नट को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ फटाक से, और उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे तो मैं होल के अंदर डाल रहा हूँ लेकिन ये होल के अंदर जा नहीं रहा है। तो यार होल को थोड़ा सा हम पहले बड़ा करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मली कैंची होती है उसका उपयोग कर रहा हूँ और उसके अंदर डाल के कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे तो यार अच्छी तरह से इसका होल बड़ा हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसके जो है यहाँ पर नट डालने के बाद फ्रेंड इस जो थोड़ा सा इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर जो कटर होता है उसकी मदद से इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँगा। और फ्रेंड अभी यहाँ पर देख सकते हो बोल्ट जो है इसके अंदर अच्छी तरह से जा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, स्प्रिंग लगा देना है नट बोल्ट के साथ में। और फ्रेंड यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट लूँगा और इसको जो है कुछ इस तरह से रख दूँगा। रखने के बाद इस पर जो है थोड़ा सा बड़े साइज में लेके यहाँ पर मार्किंग कर दूँगा, जैसे कि ये भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से इस पर मार्कर से जो यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, और मार्किंग करने के बाद मैं इसको जो है कटर की हेल्प से जो इसको फटाफट से कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं इसी तरह की वीडियो जो है बनाते रहता हूँ जिससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किसी भी चीज़ को जो है खुद से बनाने में। और मैं ज़्यादातर वीडियो में यार पुरानी चीज़ों ही यूज़ करता हूँ, और आप चाहो तो यार मेरे उन सभी वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद में। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने कटर से कट कर लिया है और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करोगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। सो यहाँ पर छोटा सा प्लास्टिक का पीस यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसके कॉर्नर्स को भी मैं यहाँ पर कटर की मदद से जो है कट कर लेता हूँ जल्दी से। और सिर्फ फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है पूरा फाइनल रेडी हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है फ्रेंड कि इसके ऊपर जो है यहाँ पर हमको एक मार्किंग करनी है, तो उसके वजह से मैं इसको इस तरह से रखूँगा। और रखने के बाद मार्कर से जो है मैं इसके अंदर एक वो जहाँ पे होल था उसके सिरे में मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर दूँगा और उसके ऊपर एक नट जो है कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैं लगा दूँगा। सो इसको मैंने फेविकिक की मदद से लगाया है और उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डस्ट भी लगा दिया है, और डस्ट लगाने के बाद इस पर ऊपर थोड़ा सा फेविकिक का ड्रॉप डाल दिया जिसकी वजह से जो है अच्छी तरह से इस पर चिपक जाएगा और कभी भी जल्दी से आसानी से तो निकलने वाला नहीं है। देन फ्रेंड अभी हम चलो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बोल्ट को डालूंगा, देन उसके बाद स्प्रिंग को कुछ इस तरह से डालने के बाद इसका जो नट में है मैं इसको बोल्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर दूंगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो तो मैंने इसको टाइट कर दिया है और हमारा मोबाइल क्लिप जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ी सी और भी हमको एनहांसमेंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यार स्प्रिंग जो है भी थोड़ा सा ढीला ही है क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी सी यहाँ पर छोटी लग रही है मुझे, इसके वजह से इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको अब छोटा सा टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मोबाइल लगाया हूँ, मोबाइल तो अच्छी तरह से इस पर रुक जाएगा लेकिन जब मैं इसको नीचे के साइड करूँगा तो यहाँ पर मोबाइल जो है अपने आप निकल जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्लियरली कि यार ये जो स्टेबल नहीं है थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक और स्प्रिंग लूँगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद स्प्रिंग को भी जो इसके अंदर लगा दूँगा सेम जैसा मैंने पहले वाली स्प्रिंग को लगाया था। सो स्प्रिंग लगाने के बाद अभी इसको थोड़ा सा और स्टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो प्लास्टिक का पीस था एक छोटा सा कट करूँगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैं इसको जो है एजेस पे यहाँ पर कुछ इस तरह से फेविकिक की हेल्प से यहाँ पर चिपका दूँगा। मैं यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और उसके बाद मैं इसको जो है कुछ इस तरह से फोल्ड करके इसके एजेस पे लगा दूंगा, और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड मैंने ऑलमोस्ट इसको जो है लगा ही दिया है और ये जो है पूरा रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा रेडी हो चुका है और ये जो है ना ही अंदर बाहर जाएगा ना ही कहीं साइड में जाएगा, ये सीधा ऊपर नीचे ही कुछ इस तरह से होगा। सो इसकी वजह से जो है ये पूरा अच्छी तरह से बन चुका है और हमारा मोबाइल भी अभी देखो मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा तो ये ड्रॉप नहीं होगा, मतलब निकलेगा नहीं अपने आप,
इससे जो है मोबाइल पे हमें प्रॉपर प्रेशर पड़ेगा और मोबाइल का जो है ये जो है मोबाइल क्लिप जो है अच्छी तरह से वर्क करेगा। सो यहाँ पर देख ही सकते हो अभी चलो यार थोड़ा सा और इसमें काम बाकी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके एजेस को थोड़ा सा कर्व करने वाला हूँ। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से लाइटर का उपयोग कर रहा हूँ। आप चाहो तो यार किसी भी चीज़ गर्म चीज़ का उपयोग कर सकते हो, जैसा मैंने वीडियो का पहले में ही बताया था। और इसको गर्म करने के बाद कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगा, थोड़ा सा कर्व से यहाँ पर दे दूँगा जिस तरह की अभी आप देख सकते हो। और उसके बाद ऊपर के साइड में मैंने छोटा सा प्लास्टिक का पीस यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड हमको यहाँ पर लेना है एक ट्यूब जो होती है नॉर्मल बाइक की ट्यूब होती है जो वो भी लेना है आपको। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। आप किसी भी तरह का रबर का उपयोग कर सकते हो या फिर सिलिकॉन का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो ट्यूब होती है उसका उपयोग कर रहा हूँ। और इसके दोनों साइड में यहाँ पर चिपका दूँगा जिससे जो है आपके मोबाइल पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और इससे जो है थोड़ी सी मोबाइल की ग्रिप भी जो है अच्छी हो जाती है, जिससे आपका मोबाइल जो है इसपे से स्लिप होकर बाहर नहीं गिरेगा। सो फ्रेंड एक जो है छोटा सा नट मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर नट आप किसी भी साइज़ का लगा सकते हो जैसे कि आपके ट्राइपॉड में लगता है। फिलहाल मेरे पास ट्राइपॉड तो है नहीं अभी, तो इसकी वजह से मैं आपको जस्ट कोई भी एक रैंडम नट आपको लगा के बता रहा हूँ। आप उसको जो है फेवी की मदद से या फिर एमसील की मदद से इस पर लगा सकते हो। आप एमसील यूज़ करोगे तो वो जो इस पर अच्छी तरह से वर्क करेगी और उसके बाद ट्राइपॉड में कुछ इस तरह से माउंट हो जाता है। सो फ्रेंड अभी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया है, उसके बाद मैं इस पर माउंट करके आपको इसको छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ कि ये जो है किस तरह से वर्क करेगा। और फ्रेंड यकीन माने यार काफ़ी अच्छा बना है और इस तरह का डिज़ाइन का जो है आपको मोबाइल होल्डर पूरे यूट्यूब पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो है ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है फ्रेंड। आप चाहो तो इसको अपने कलर के हिसाब से पेंट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड आज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।